गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है वहाँ की भी जल रही है और यहाँ की भी, दोनों बॉल जल रही है। तो आप इधर देख लीजिए, हम जो बॉल लगाए हैं वो भी जल रहा है और इधर का भी जल रहा है, देख लीजिए गाइस। तो इसमें हम तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बैक लाइट क्यों नहीं जलता है। तो चलिए हम चलते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा बैक लाइट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है बैक लाइट। हमारे बैक लाइट में एक बैक लाइट है जो जल रही है, तो इसमें दो रहती है, एक इंडिकेटर के लिए रहती है और एक बैक लाइट हम पीछे का जब हम ब्रेक दाबते हैं तो पीछे का लाइट बढ़ती है, तो इसको बैक लाइट बोलते हैं। ये बैक लाइट है और एक यहाँ पर रहती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बैक लाइट क्यों नहीं जलता है, हम उसका आज पूरा वायरिंग समझेंगे, कहाँ से कौन वायरिंग आया है, कौन सा फ्यूज के माध्यम से वायरिंग हुआ है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहले हम ब्रेक दबाकर और चारों इंडिकेटर जलाकर हम दिखाएंगे कि जल रहा है या नहीं। तो चलिए पहले हम इंडिकेटर चारों जलाते हैं और देख ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं चाबी हम ऑन कर दिए हैं और इंडिकेटर हम जला रहे हैं। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में जल रहा है। आप देख सकते हैं दोनों इंडिकेटर एकदम लाइट शो हो रही है। तो चलिए हम पीछे की तरफ देखते हैं कि पीछे जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो लाइट है वो बिल्कुल जल रही है और इधर का जो लाइट है वो नहीं जल रही है। तो चलिए इसको हम पहले देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। तो चलिए हम देखते हैं और ब्रेक दबा के भी देख ले रहे हैं कि ब्रेक दबाने से पीछे वाला लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। तो चलिए हम ब्रेक भी दबा के देख ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर वाला जो लाइट है वो जल रही है प्रॉपर्ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उस साइड का जो लाइट है इंडिकेटर वाला वो नहीं जल रही है। तो चलिए हम ब्रेक दबा के भी देख ले रहे हैं कि जल रही है या नहीं जल रही है। पहले इसको बंद करते हैं, ब्रेक दबाओ। चलिए पीछे की तरफ हम लेकर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इधर वाला लाइट जल रही है लेकिन इधर वाला लाइट नहीं जल रही है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं बोनेट खुल गया है और ये वाला जो साकर है हमारा ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम ऐसे ही पकड़े रखेंगे और इस वाले जो सेटअप है इसको हम खोलते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं हम पूरा ये सामान ले लिए हैं खोलने वाला, ये इसमें गोटी लगेगा आपका। चलिए इसको हम दिखा देते हैं, 3 32 ये गोटी से खुला, 3 32 है ना, 3 32 ये गोटी से खुलेगा। तो यहाँ से हम खोलते हैं इसको, चलिए इसको हम खोल लेते हैं बिल्कुल। ये देख पा रहे हैं पूरा नट खुल गया है। तो चलिए गाइस फाइनली इसको हम खोल लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप एंड तक ज़रूर आप लोग वॉच करिएगा। तो फाइनली गाइस हम इसको खोल दिए हैं और चलिए इसको हम निकालते हैं। तो फाइनली गाइस हम इसको निकाल दिए हैं और चलिए हम पहले इसको बैक लाइट बनाते हैं, इसको चेक करते हैं इसका बॉल जो है फ्यूज तो नहीं हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं ये जो बॉल है हमारा फ्यूज हो गया है, एलिमेंट इसका उड़ गया है। आप देख सकते हैं ये बॉल है इसका फ्यूज उड़ गया है। तो पहले हम इसको हम निकालेंगे। तो फाइनली गाइस हम बॉल को पहले निकालते हैं
रिमूव करते हैं, निकालो इसको। और दूसरा वाला लगा, आप देख सकते हैं ये बॉल चेंज हो रहा है। तो चलिए ब्रेक दबा के देखते हैं पीछे का जो बॉल है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। चलो ब्रेक दबाओ। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो बॉल है वहाँ की भी जल रही है और यहाँ की भी, दोनों बॉल जल रही है। तो आप इधर देख लीजिए, हम जो बॉल लगाए हैं वो भी जल रहा है और इधर का भी जल रहा है, देख लीजिए गाइस। तो इसमें हम बॉल चेंज किए हैं, बॉल इसका बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो चलिए हम चलते हैं फ्यूज बॉक्स के पास और वहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कंप्लीट कि कौन सा फ्यूज कहाँ कराता है। तो चलिए हम चलते हैं फ्यूज के पास। दरवाज़ा खोलते हैं और चलते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड के पास। फाइनली गाइस हम आ गए हैं अपने स्टेयरिंग के पास। और तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि बैकलाइट का कौन सा फ्यूज है और इंडिकेटर का कौन सा फ्यूज है। ये देख लीजिए, ये जो फ्यूज है इसी में इंडिकेटर का रहता है और बैकलाइट का इसी में रहता है। तो पहले हम इंडिकेटर का लाइट चेक करेंगे कि इंडिकेटर का फ्यूज कौन सा है। वीडियो एंड तक वॉचिंग ज़रूर आप लोग करिएगा। तो आपको मैं क्लियर बताऊंगा। तो पहले खोलते हैं और चलते हैं फ्यूज बॉक्स। ये आप देख सकते हैं ए वाला जो कटआउट है ये इंडिकेटर के लिए होती है। ये जब कट 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 की आवाज़ आ रही है ना, ये इंडिकेटर वाला है। ये आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर वाला है, ये कटआउट है इंडिकेटर वाला। और यहाँ से आपका ये वाला छोड़कर ये एक दो तीन, ये जो चौथा स्थान पर जो फ्यूज है ये हमारा इंडिकेटर वाला। इसको देखिए अभी निकालना हो तो कटआउट बंद हो जाएगा, आपको दिखा दे रहा हूँ चौथा निकाल कर। फाइनली गाइस देखिए हम फ्यूज निकाले हैं, ये आप देख सकते हैं फ्यूज हम निकाल दिए हैं तो कटआउट हमारा बंद हो गया है, यानी कट कट की आवाज़ अब नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको फ्यूज को लगाते हैं। ये हमारा इंडिकेटर वाला जो फोर, जो आप देख सकते हैं 20 नंबर फ्यूज है, आपको क्लियर, ये देखिए हमारा 20 नंबर फ्यूज है, आपको दिखाते रहा हूँ क्लियर। 20 नंबर ये फ्यूज हमारा है, यानी फ्यूज ये 20 नंबर है। ये चौथा स्थान पर जो फ्यूज रहती है इंडिकेटर के लिए होती है, आपको बता रहा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं और देख रहे हैं कि जल रहा है या नहीं। चलिए इसको हम इसमें हम लगाते हैं, ये आप देख रहे हैं फिर कट कट के आवाज़ आ गई है। इसको फ्यूज को हम लगा रहे हैं तो फिर कट कट की आवाज़ आ गई है। ये जो चौथा स्थान पर होती है ये इंडिकेटर के लिए होती है, जो चौथा स्थान पर ये देख रहे हैं कि ये जो चौथा स्थान पर है ना ये इंडिकेटर के लिए, ये वाला फ्यूज जो है वो इंडिकेटर के लिए है। और इधर इधर ये 20 नंबर देख रहे हैं ये वाला, ये ब्रेक के लिए होती है। जब ब्रेक प्रेस करते हैं ना तो जो पीछे का बॉल बढ़ती है वो ब्रेक के लिए है, ये वाला जो है ये ब्रेक के लिए है। अगर इसको निकाल देते हैं तो पीछे का बैकलाइट जो होती है, जिसे हम ब्रेक से या हेडलाइट से, हेडलाइट से एक थोड़ा बड़ी रहती है, हेडलाइट जलाने पर थोड़ा बड़ी रहती है और ब्रेक दबने पर थोड़ा तेज बढ़ती है। तो ये वाला जो फ्यूज है दूसरा नंबर पर, इधर से जो दूसरा नंबर का है ये ब्रेक का है, ये वाला जो ब्रेक है, ये वाला जब ब्रेक अपना प्रेस करेंगे तो पीछे का बैकलाइट जलेगा। तो और वायरिंग कहाँ से रहती है, और वायरिंग यहाँ से रहती है, ये आप देख सकते हैं, देखिए पूरा वायर यहाँ पर है गाइस, आप देख सकते हैं, देखिए पूरा वायर यहाँ से है। अगर कहेंगे तो विस्तार रूप में हम पूरा वायरिंग के समझाएंगे कौन सा वायरिंग कहाँ का है। तो यहाँ से वायरिंग रहती है, यहाँ से वायरिंग जाती है इन पीछे वाला बैकलाइट के पास और वहीं से दोनों बैकलाइट काम करती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।